हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हमारा लीवर। देखिए भाई, लीवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बेटा हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो लीवर है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। लीवर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में और आपकी बॉडी में। लीवर आपके डाइजेशन में तो हेल्प कर ही रही है, इसके साथ में आपकी बॉडी के अदर फंक्शंस जो हैं उसमें भी लीवर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, आप आज लीवर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम टाइम में हम आपको मेन पॉइंट्स लीवर के बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ज़्यादा आपको इसमें हम कवर नहीं करेंगे। हम आपके एग्जाम के लिए कवर करेंगे इसका लीवर का स्ट्रक्चर और लीवर के मेन फंक्शंस पर ये वीडियो है। देखिए भैया, बात समझना, लीवर क्या है। देखिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, अगर कभी उसका क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे लीवर। देखिए, ग्लैंड्स के टाइप कितने हैं तो समझ लीजिए। पहले यहां से ग्लैंड्स थ्री टाइप्स की हैं मेनली। एक हमारी होती है एंडोक्राइन, एक है एक्सोक्राइन, और एक है आपकी होती है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएं जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो आप नाम बताएंगे लीवर। और अगर कभी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बता दे, आपसे पूछ लिया जाए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आप बताएंगे थाइमस। ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है? लीवर है। आपकी बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? लीवर है। इसका वेट कितना होता है? तो अबाउट 1.5 kg। लीवर का वेट कितना होता है बच्चों? लीवर का वेट होता है अबाउट 1.5 kg। ठीक, आपकी ये एब्डोमिनल कैविटी, देखिए ये आपकी जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी है। लंग्स जहां पर आपकी सिचुएटेड होते हैं वो कौन सी कैविटी है? वो थोरेसिक कैविटी है। और नीचे आपकी ये एब्डोमिनल कैविटी है, और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन करता है? डायाफ्राम। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है लीवर। ठीक, अब देखिए इसका वेट कितना होता है, तो अबाउट 1.5 kg। इसके बाद समझिए, लीवर जो है ये इसके मेन टू लोब्स होते हैं, एक लेफ्ट लोब एक राइट लोब। क्लियर हो गया? लीवर का जो स्ट्रक्चर है उससे आप देख सकते हैं कि राइट लोब और लेफ्ट लोब में लीवर पार्शियली क्या है? डिवाइड है। लीवर में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, पाउच लाइक, जिसे बेटा हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब पाउच लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन लीवर इज आल्सो कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लीवर में एक गॉल ब्लैडर एक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है या बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे बेटा हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। और गॉल ब्लैडर में बाइल जूस फिल्ड रहता है। गॉल ब्लैडर में बेटा क्या होता है? गॉल ब्लैडर में बाइल जूस क्या होता है? फिल्ड रहता है। अब यहां समझिए, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को सेक्रेट नहीं करता, गॉल ब्लैडर केवल बाइल जूस को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, लेकिन गॉल ब्लैडर बाइल जूस को सेक्रेट नहीं करता। बाइल जूस को सेक्रेट करता है लीवर, और बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर में होता है, और लीवर से वो बाइल जूस आकर के स्टोर हो जाता है उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर में, और उस गॉल ब्लैडर से वो आपका आगे डक्ट से होते हुए ड्यूडिनम में आ जाता है। ड्यूडिनम इज अ कॉमन पोर्शन बिटवीन लीवर एंड पैनक्रियास। यहां देखिए पैनक्रियाटिक डक्ट है, और पैनक्रियाटिक डक्ट है तो यहां आगे पैनक्रियाज स्टार्ट हो जाएगा, यहां से पैनक्रियाज स्टार्ट हो जाएगा। पैनक्रियाज इंग्लिश ग्लैंड है, और पैनक्रियाज से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं। इसकी बाद में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी देखिए, तो लीवर क्या होगा? लीवर के अंदर यहाँ पर बाइल जूस का फॉर्मेशन होगा, और बाइल जूस इसमें गॉल ब्लैडर में फिल हो जाएगा, और बाइल जूस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। ठीक है, देखिए बाइल जूस है क्या, समझिए, इसे ध्यान दीजिए। बाइल जूस क्या है? बाइल जूस ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड है, हल्का सा ग्रीन हल्का सा येलो कलर का, लाइट ग्रीन एंड लाइट येलो कलर का लिक्विड है बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या करता है? आपकी बॉडी में जो फैट है उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस हैव नॉट कंटेन्स एनी एंजाइम। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम कंटेन नहीं होता,
कोई अगर आपसे पूछे कि आपको बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है, नहीं, बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन बाइल जूस में कई सारे बाइल साल्ट्स वगैरह, कार्बोनिक एसिड और भी अदर टाइप्स के प्रोडक्ट इसमें एसोसिएटेड होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये बाइल जूस क्या करता है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए बाइल जूस में 98% वाटर होता है, 2% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। ये तो बात हो गई नॉर्मल से बाइल जूस की। अब देखिए बाइल जूस में बायो पिगमेंट पाए जाते हैं, बायो पिगमेंट, और बायो पिगमेंट का फॉर्मेशन आरबीसी के ब्रेकडाउन से भी होता है। आरबीसी आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन होती है, उससे भी बाइल जूस का फॉर्मेशन में उसमें हेल्प मिलती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट समझना क्या है कि लीवर के फंक्शन क्या होते हैं। अब देखिए लीवर के फंक्शंस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला टॉपिक है। देखिए फंक्शन ऑफ लीवर, अब यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है भैया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, इसको अभी हम जानेंगे, इसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको दिमाग में रखिएगा, आप अपने माइंड सेट करिए कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक चीज है, एक टॉपिक है जिसे हमें कंप्लीट करना है, उसको अभी हम बात करेंगे। पहले हम लीवर के कुछ मेन मेन फंक्शंस, वैसे लीवर के फंक्शंस तो कई सारे हैं, अबाउट 10-15 फंक्शंस हैं, बट हम आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा हमने कंप्रेस कर दिया है, और कंप्रेस करके आपके लिए हम यहाँ पर मेन 5 फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए। देखिए बच्चों, बाइल जूस का प्रोडक्शन तो नॉर्मली इसका प्राइमरी फंक्शन है, लीवर का प्राइमरी फंक्शन तो सबसे पहला क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, ठीक, ये मैं बता चुका हूँ। अगली बात क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब क्या है भाई, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक सेलुलर रिस्पायरेशन है, उसमें आप कंफ्यूज ना होना, ग्लाइकोलाइसिस एक अलग वर्ड है और ग्लाइकोजेनेसिस एक अलग वर्ड है। होता क्या है, देखिए होता क्या है, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में आपने कोई भी चीज डाइजेस्ट की, जब आप कोई चीज डाइजेस्ट करते हो और डाइजेस्ट करने के बाद से आपने, मान लीजिए आपने शुगर ली, ठीक है, तो शुगर डाइजेस्ट हुई तो वो शुगर कहाँ चली गई, ब्लड में चली गई, और उस ब्लड में एक हार्मोन मिक्स रहेगा। हार्मोन कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियाज से निकलेगा, उसका नेम है इंसुलिन। ये क्या करेगा, ये इंसुलिन हार्मोन एक्स्ट्रा शुगर को कन्वर्ट करेगा, किसमें करेगा, ये आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जब आप पढ़ेंगे, ऑलिगोसैकेराइड, तो उसमें आप जानेंगे कि ग्लाइकोजन एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। इस शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है कौन, इंसुलिन, और ये ग्लाइकोजन जाकर के आपके लीवर में स्टोर हो जाता है, और ये जो पूरा प्रोसेस है इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, ये है ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लूकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होता है पाइरूविक एसिड में। ये ध्यान देना, ग्लाइकोलाइसिस एक अलग टर्म है, ग्लाइकोलाइसिस एक अलग टर्म है, उसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मोल पाइरूविक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां बात हो रही है ग्लाइकोजेनेसिस की। तो मैंने बताया कि शुगर जो है आपकी बॉडी में, ब्लड में होती है एक्स्ट्रा शुगर, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है और लीवर में जाकर स्टोर हो जाती है। ये प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। आपको क्लियर हो गया होगा मेरी वर्ड। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। आपकी बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी में अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये अमीनो एसिड जब ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड का जब ब्रेक डाउन होता है तो इसके ब्रेक डाउन से क्या होगा, एमीन ग्रुप अलग होता है और इसके बाद में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है कि अमोनिया आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, अमीनोटेलिक जो होते हैं, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबिया हैं, वो अमोनिया को डायरेक्ट बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि वो वाटर में सर्वाइव करते हैं। लेकिन आप वाटर में सर्वाइव नहीं करते, तो आपकी बॉडी में अमोनिया टॉक्सिक है आपके लिए। तो बेटा ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कर दी जाती है, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, उसे हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ध्यान देना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन अमोनिया टू यूरिया इज आल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल। मैंने क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन अमोनिया इनटू यूरिया इज आल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल इन टेक प्लेस इन लीवर। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या बताया कि यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा और यूरिया आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी बाय एक्सक्रीशन, ठीक है। तो अमीनो एसिड के ब्रेक डाउन होने से अमीन ग्रुप अलग होगा, उससे अमोनिया बनेगी, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगी। ये किसका फंक्शन है, ये लीवर का फंक्शन है। अब देखिए सेक्रेशन ऑफ हेपेरिन, इसके बाद क्या है, लीवर एक स्पेशल
प्रोटीन को सेक्रेट करता है। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक टाइप की प्रोटीन ही है, ठीक। ये ऐसी प्रोटीन है, करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी बॉडी में, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में ब्लड क्लॉट हो गया अंदर। हाँ, अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका ब्लड जब टिश्यू से बाहर आ जाता है तो वो क्लॉट हो जाता है, उसके क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, और उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन आपकी बॉडी में वेंस और आर्टरी या कैपिलरी, भाई आपकी बॉडी में वेंस है, देखिए वेंस है, आर्टरी कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसमें कभी किसी का ब्लड क्लॉट हुआ क्या? नहीं क्लॉट हुआ। तो आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से कौन रोक रहा है? हेपेरिन। आपकी बॉडी से बाहर ब्लड निकल आएगा तो क्लॉट हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो क्लॉट नहीं होता। और उसके क्लॉट नहीं होने के पीछे एक रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है हेपेरिन। तो हेपेरिन एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है जो लीवर से सेक्रेट होता है और आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। क्लियर हो गया? अब देखिए अगला टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन। अब यहां पर आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सर ने क्या बताया कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, भैया ने क्या बताया कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। देखिए आपकी बॉडी में हेपेटिक वेन और हेपेटिक आर्टरी पाई जाती है, ठीक है ना, इससे बनता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। फंक्शन क्या होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का? देखिए आप कुछ भी फीड करते हैं, वो फीड करके वो कहां जाता है? आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पर क्या होते हैं? वहां पर माइक्रोविलाई होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोविलाई, ठीक है। और वो माइक्रोविलाई उस फूड को जो आपने डाइजेस्ट किया है उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। अब अगर आपने मान लीजिए कोई टॉक्सिक फूड खा लिया, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खा लिया जो टॉक्सिक है, जिसमें पॉइजन है, तो भी वो कहाँ जाएगा? माइक्रोविलाई से होकर बॉडी में जाएगा, लेकिन उसके पहले वो सीधे जो प्रोडक्ट जाएगा वो लीवर से होकर जाएगा। लीवर में जाकर के हेपेटिक वेन क्या हो जाती है? बाइफर्केट हो जाती है, हेपेटिक आर्टरी बाइफर्केट हो जाती है, उससे बनता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और लीवर में जाकर के जब वो हमारा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो लीवर चेक करता है कि ये हमारी बॉडी के लिए कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है, कोई पॉइजनस मटेरियल तो नहीं है। तो आप जब फूड लेते हो तो फूड का जो प्रोडक्ट है वो लीवर से होकर जाता है, मतलब लीवर से होकर के आपकी बॉडी के अंदर प्रोडक्ट जाते हैं, और लीवर उस समय चेक कर लेता है। जैसे आप कभी एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे स्कैनर लगा होता है, आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ स्कैनर लगा होता है, उसके अंदर से होकर जाते हैं तो मालूम पड़ता है मेटल डिटेक्टर कि आपके पास कोई गन वगैरह तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ली है जो दिक्कत दे, है ना। तो मॉल में जो डिटेक्टर लगे होते हैं, ऐसे लीवर में एक डिटेक्टर है, वो देखता है कि आपने क्या फीड किया है और फीड करके उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है। अगर टॉक्सिक मटेरियल है तो उस टॉक्सिक मटेरियल के इफेक्ट को वो लो करेगा, जितना प्रोसेस होगा, जितना पॉसिबल होगा वो लो करेगा। ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, लीवर पर सीधे इफेक्ट जाता है, डॉक्टर कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि आप कुछ भी लेते हो तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? लीवर पर पड़ रहा है, क्योंकि लीवर किससे एसोसिएटेड है? लीवर आल्सो एसोसिएटेड विद हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसलिए ध्यान देना कि अगर आपने कभी कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, कोई पॉइजनस प्रोडक्ट खा लिया, तो उसका सीधा इफेक्ट किस पर जाता है? लीवर पर जाता है, और लीवर पूरा प्रयास करता है कि उसको डिटॉक्सीफाई कर दे और आपकी जो लाइफ है वो सेव हो जाए। लेकिन जब लीवर फेल हो जाता है, जब लीवर फेल हो जाता है तब डेथ हो जाती है। पोस्टमार्टम में क्या करते हैं? पोस्टमार्टम में कैसे देखते हैं कि इस आदमी की डेथ कैसे हुई? लीवर चेक करते हैं, पहले वो लीवर चेक करते हैं, और लीवर में अगर देखते हैं कि कोई टॉक्सिक मटेरियल मिला तो जान जाते हैं कि इसकी डेथ पॉइजन लेने से हुई है, ठीक है ना बच्चों। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्लियर हो गया। अब देखिए हमने आपको लीवर के फंक्शन बता दिए और लीवर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, आपने ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में आपको पैनक्रियास के बारे में बताया जाएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम आपके सामने लाइव आ सकें, ठीक है बच्चों। थैंक यू, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।